उमूमन देखा गया है कि पढ़ा लिखा तबका हो या अनपढ़, उनमें यह होता है कि जब वो सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम की बजाय वो अस्सलाम वालेकुम, यानी काफ को इस तरह खींचते हैं कि वाव मद्दा हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि अगर इसकी रहनुमाई फरमा दें बहुत मेहरबानी होगी। सलाम तो करना जिनको आता भी सही नहीं करते, सुस्ती करते, चबा जाते हैं। साह वालेकुम बोलते हैं, साह मालेकुम साह क्या बोला। तो हर एक अपने अपने अंदाज में सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम ये तो लाखों में ही बोलता होगा, आता है लेकिन बोलते नहीं है। बाद जल्दी में होते हैं या यूं घंटों मिलते हैं, इनको सलाम करने में जल्दी होती है, क्या है बस बोलते नहीं है पूरा सलाम। तो यूं भी बोलते हैं सलाम अलैकुम, ना इससे सुन्नत अदा होगी ना इसका जवाब वाजिब होगा। अस्सलाम अलैकुम यानी मीम को साकिन पढ़ा, पेश नहीं पढ़ा, तब भी जवाब वाजिब नहीं होगा। तो सही तलफ्फुज़ है अस्सलामु अलैकुम, मीम पर पेश है। ये देखो इसमें गलत और राइट दोनों के निशान दिए हुए हैं, ये एक गलत है, ऊपर इससे और भी एक इसमें आइटम होती है गलत। इस्लाम वालेकुम मीम पर पेश आपकी मालूमात के लिए समझो है, वैसे पेश ना भी लगाए तो चल जाएगा, वाव नहीं लगेगा। वालेकुम अस्सलाम में नहीं बोलना था, आइन आता भी है ना, वालेकुम अस्सलाम तो ये भी गलत हो गया। वाल तो पहाड़ी बकरे को बोलते हैं, आइन पर जबर है, ये देखिए इस तरह बोलना है वालेकुम अस्सलाम, मीम सीन पेश मुस, वालेकुम अस्सलाम। आइए बताओ किसको आता है, बड़े बड़ों को नहीं आता, यानी जल्दी में आता होता है, जल्दी में वो जवाब गलत दे रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, मालेकुम सलाम मीम बोलते हैं, मालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम, यूं समझोगे वाव में थोड़ा सा वो सकता देंगे ना तो सही हो जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलहू अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।